में हम बात कर रहे हैं सभी मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। हमने इसके पहले भी शल और विल के बारे में दो वीडियोस बना के रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो जस्ट जाइए और उनको देखकर वापस आ जाइए। आज हम बात करेंगे कैन के बारे में। तो कैन जो है, हमें पता है कि आई कैन डू दिस, आई कैन वर्क, यू कैन कम विद अस, लाइक दिस सेंटेंसेस, हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली फंक्शन क्या करता है कैन, एग्जैक्टली कौन सी भावना, कौन सी इमोशन बताने के लिए उन्हें खास नियुक्त किया गया है, ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज क्या है, जब आप बोलते हो कि आई कैन वॉक, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके दो पैर हैं, ये उसका मीनिंग है, समझ रहे हो, मतलब आप चल सकते हो। क्यों चल सकते हो, बिकॉज यू हैव लेग्स, समझ रहे हो, मतलब यू आर एबल टू वॉक, मतलब आप में क्या हुआ, कैपेसिटी, आप में एबिलिटी होगी उसकी, राइट नो। तो शोविंग द कैपेसिटी, शोविंग द एबिलिटी इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कैन, गेटिंग दिस। अब जब भी कभी भी कैन वाले सेंटेंसेस देखोगे ना, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि आई कैन रीड दिस बुक का मतलब दूसरा मतलब क्या है। ये तो मतलब सबको समझ रहा है कि आप किताब पढ़ रहे हो, लेकिन उसका दूसरा हिडन मीनिंग ये है कि आपकी आंखें अच्छी है, गेटिंग दिस, मींस यू आर एबल टू। जब एबल टू होगा तो अनएबल टू भी होगा, तो उसी तरह से दूसरा फंक्शन ये भी होगा फिर कि इनएबिलिटी, अगर एबिलिटी एक फंक्शन है कैन का, तो इनएबिलिटी ये भी तो सेकंड फंक्शन हो सकता है, फिर सेकंड थर्ड जो भी हो, इजंट इट सो। तो इनएबिलिटी, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मतलब आई कांट डू दिस। अब जब भी अक्षम हो किसी चीज को करने के लिए, तो हम हमेशा कहते हैं कि नो सॉरी सॉरी आई कांट डू दिस, ही कैन नॉट कम विद यू, तो इज नॉट एबल टू। तो जब भी आपकी इनएबिलिटी, अक्षमता वहां पर अगर किसी को दिखानी है, तो हम वहां पर भी कैन का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको कभी कभी परमिशन मांगनी हो, तब भी आप कैन का प्रयोग करते हो, मतलब कैन इज ऑल्सो देयर टू शो द वर्क, द फंक्शन ऑफ आस्किंग परमिशन, कैन आई गो प्लीज, कैन आई टेल यू वन थिंग, कैन आई हेल्प यू, इस तरह से जब भी आप सेंटेंसेस देखते हो, तो आप वहां पर अक्सर क्या करते रहते हो, परमिशन मांगते हो आगे वाले से, ठीक है। कैन आई एक्सप्लेन दिस, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या, मतलब आपकी परमिशन हो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मतलब करूंगा, दिस इज इट, गेटिंग। मतलब कैन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, आस्किंग द परमिशंस, और एक चीज शोइंग द विलिंगनेस, समझ लो, विलिंगनेस माने क्या, इच्छा, आपकी विश, आपकी एम्बिशन, जो कि आपकी डिजायर, जो भी कुछ है, आप वो जब शो करना चाहते हो, तो उस टाइम पर भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हो, मतलब कैन इज ऑल्सो एबल टू शो द फंक्शन ऑफ विलिंगनेस, आई कैन डू दिस। उसका दूसरा एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि अगर मुझे आप चांस देते हो, तो मैं ये काम कर सकता हूं, का है, मतलब क्या हुआ, मेरी इच्छा है ये काम करने की, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर डायरेक्शन। मुझे लगता है कि आपको कैन ठीक से समझ पे आया होगा, ठीक है। कूड के बारे में भी देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं, वी हैव सम टाइम देयर, वी कैन जस्ट सी कूड आल्सो। आप देखेंगे कुछ नहीं, जैसा कैन है वैसे कूड है, लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं होता है, ठीक है। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज है, कौन कौन से, शल, शुड, विल, वुड, कैन, कूड, मे, माइट, मस्ट, नो, ये नो के नो भी अलग अलग अपने अपने मायने रखते हैं, दे हैव देयर ओन पावर, दे हैव देयर ओन फंक्शंस आल्सो, गेटिंग दिस। जैसे कि कूड है अभी सपोज, ठीक है, तो कूड को बहुत सारे सेंटेंस में आपने देखा होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट के हिसाब से उसको यूज किया जाता है, कि कूड यू प्लीज ओपन द विंडो, और कूड यू ओपन द विंडो प्लीज, इस तरह से, तो आपने पोलाइट रिक्वेस्ट की, गेटिंग दिस। तो पोलाइट रिक्वेस्ट का फंक्शन है फिर कूड का, गेटिंग। अब एबिलिटी, जैसे कैन की एबिलिटी है, वैसे ही पास्ट में भी कुछ एबिलिटी हुई होगी, बिकॉज टूडे इज नॉट द पास्ट, बट you were there in past and doing something that time, agar aapko kehna hai ki main is kaam ke liye saksham nahi tha, main iske liye able nahi tha, meri ability nahi thi us time pe, to aap wahan pe kud use karoge, isn't it? So again showing the ability in the past is the function of could. Could kya karega, aapki past wali ability kya thi usko show karega, getting this? Aur ek cheez hai, could aapko suggestion bhi dega, matlab you may say that could is the function of that is a suggestion is the function of could, getting this. Kahi par bhi aap ja rahe ho, picnic ko ja rahe ho, we could visit that place, sahej hi bol deta hai aadmi,
मतलब हम उस प्लेस को विजिट करेंगे, हाँ दैट इज द सजेशन. मींस व्हाट वी आर यूजिंग द वर्ड कुड, बट योर सेंटेंस इज दैट यू आर शोइंग सम सजेशंस टू योर फ्रेंड्स. तो कुड कभी कभी सजेशन भी देगा. दोस्तों एक बात ठीक से समझ लो आप, क्यूसी कि कुड में कोई चेंज नहीं होगा, कुड विल बी कुड, बट उसके मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस द मीनिंग विल बी चेंज. गेटिंग दिस? तो इस तरह से जब भी कोई सेंटेंस का मीनिंग होता है अलग अलग, तो कुड एक वर्ड है लेकिन अलग अलग उसके मीनिंग बताएगा. परमिशन भी मांगेगा, जैसे कैन के बारे में हमने देखा था, कैन आई गो, मैं जा सकता हूँ क्या. उसी तरह से कुड आई एक्सप्लेन दिस प्लीज, कुड आई गो प्लीज, कुड आई हेल्प यू प्लीज, है ना. तो कुड भी परमिशन मांगता है. तो कितने सारे फंक्शंस हो गए फिर कुड के भी, है ना. गेटिंग दिस? तो मुझे लगता है दोस्तों की इस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा भी करी और आपको ये बहुत सारे पॉइंट समझ में भी आए होंगे. आपके पास अगर नोटबुक वगैरह होगा तो यू मे टेक देम डाउन सो दैट इन एनी एग्जाम यू कुड बी एबल टू डू दिस ओवर विद दिस मॉडल ऑफ सेंटेंस.